वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आया हूँ मराठा मोटर्स आपको ऐसी बाइक दिखाने जो बहुत अच्छी तरीके से मॉडिफाई की गई है। मैं लिटरली इस बाइक से अपनी आँखें नहीं हटा पा रहा हूँ। सेकेंड थिंग, अगर आपको हार्ली चलाना है, हार्ली 883 लेनी है और आपका बजट नहीं उतना, तो मैं आपको एक बाइक दिखा रहा हूँ जो आपको बहुत अच्छी लगेगी। सो मेरे स्पेसिफिकेशन बताने से अच्छा है यहाँ के जो ओनर है, मराठा मोटरसाइकिल के जो ओनर है श्रीकांत दलवी, वो इससे बेटर, मेरे से बेटर आपको इसका फीचर स्पेसिफिकेशन सब बता सकते हैं। सो श्रीकांत भाई। हाँ, मेरा नाम श्रीकांत दलवी है। मैं मराठा मोटरसाइकिल जो कस्टमाइजेशन फर्म है वो लीड करता हूँ और ओन भी करता हूँ। हम लोग लास्ट 7 ईयर्स से ये फील्ड में काम कर रहे हैं। अब तक नंबर ऑफ क्लाइंट्स हम लोग ने 60-70 क्लाइंट्स के लिए काम किया। ओवरसीज भी हम लोग ने कुछ स्पेसिफिक पर्सनैलिटीज और ऑर्गेनाइजेशन के लिए कस्टम मोटरसाइकिल्स प्रोवाइड किया है। ये स्पेसिफिक मोटरसाइकिल रॉयल इनफील्ड 350 cc के ऊपर कस्टमाइज किया गया है, जिसके अंदर हम लोग ने बॉडी पार्ट्स में आगे पीछे का फेंडर, पीनट शेप हैंडमेड टैंक, टूल बॉक्स, ओरिजिनल टूल बॉक्स के ऊपर ही कुछ क्राफ्टमैनशिप किया हुआ है और ओरिजिनल अपना एयर फिल्टर का जो कवर है और बैटरी कवर उसी को ही यूज़ किया है। गाड़ी के अंदर ओवरऑल फ्रंट टीटी असेंबली चेंज किया गया है। अकॉर्डिंगली राइडर के कंफर्ट के हिसाब से हैंडल बार का माउंट दिया गया है। यहाँ पे एक 6 इंच वाला एवेंजर का हेडलैम्प हम लोग ने यूज़ किया है, उसके अंदर LED कंसोल यूज़ किया है फॉर बेटर लाइट्स। यहाँ पे कस्टम हाउसिंग प्रोवाइड की गई है मेटल्स के लिए। यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर का पूरा असेंबली देखने मिलेगा, जिसमें रॉयल इनफील्ड क्लासिक का ओरिजिनल मीटर ही फिट किया गया है। आगे का भी टायर और रिम साइज 19 इंच रख के टायर साइज 190/90 है। पीछे का 15 इंचेस का व्हील यूज़ करके हम लोग ने 140mm 1915 का टायर यूज़ किया गया है। कंप्लीट ओवरऑल कस्टमाइजेशन राइडर और पिनियन राइडर को कंसीडर करते हुए लॉन्ग राइड्स के हिसाब से क्रूजर सीट विथ बैकरेस्ट का प्रोविजन दिया गया है। कस्टम नंबर प्लेट्स आगे पीछे के लिए पीछे का सेंटर माउंट है। गाड़ी का स्पेसिफिक पेंट स्कीम मेटालिक ब्लैक है, उसके ऊपर अपना पायरेट या आप कह सकते हो सैलर थीम के रिलेटेड कुछ आर्टवर्क किया गया है। यह आर्टवर्क हम लोग ने इसके लिए किया क्योंकि ये जो स्पेसिफिक पर्सनैलिटी है जिनके लिए ये गाड़ी बनाई गई थी वो सेलर है। आप देख सकते हो गाड़ी का एयर फिल्टर का जो कवर है उसके ऊपर आपको नेवल कंपास दिखेगा। सेम साइड अगर आप बैटरी की तरफ आओगे तो आपको एंकर दिखेगा। इसके साथ कोरिलेट करते हुए हनीकॉम का जो ग्राफिक्स है वो हम लोग ने ओवरऑल स्ट्रक्चर के ऊपर दिया है, उसको वाइट से बॉर्डरिंग करके ग्रे के अंदर थोड़ा सा शेडो इफेक्ट ऐड करके वो ग्राफिक्स पूरा हैंडमेड एयरब्रश ग्राफिक के साथ किया हुआ। इस स्पेसिफिक बिल्ड के लिए हम लोग एक चार्ज करते हैं 1.5 से 2.5 या 3 तक, डिपेंड ऑन रिक्वायरमेंट और पेन स्कीम वगैरह और टायर का प्रेफरेंस होता है। ये स्पेसिफिक बिल्ड के लिए एक अराउंड टाइम जाता है 2 से 4 महीने का, और जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट हो वो हिसाब से पूरा कंप्लीट मेकओवर करके हम लोग आपको दे सकते हैं। इस बाइक को, इस स्पेसिफिक बाइक को बनाने के लिए टोटल कितना खर्च हुआ है? एक अप्रॉक्स ये स्पेसिफिक कस्टमाइजेशन के लिए हम लोग ने चार्ज किया था एक अराउंड 2.5। और अगर इसमें अगर मेरे सब्सक्राइबर ऐड हो जाते तो स्पेसिफिक डिस्काउंट दिया जाएगा। तो गाइस, सिंपली वे ब्लॉग से अगर ये रेफरेंस अगर आ रहे हो तो आपको थोड़ा डिस्काउंट भी मिल जाएगा, और इसके अलावा आपको अलग अलग डिज़ाइन मिलेंगे, आपको अलग अलग आइडियाज़ शेयर हो जाएंगी। इनके पास एक बहुत अच्छा कलेक्शन है बाइक्स का और बाइक्स की डिज़ाइन का, ये आपको आके दिखाएंगे, आपके बजट के हिसाब से आपको बाइक बना के देंगे। और अगर बाइक की सीटिंग कम्फर्ट के बारे में बात करूँ तो बाइक की सीटिंग कम्फर्ट में एक बार दिखा देता हूँ बैठ के। सो ये बाइक की सीटिंग कम्फर्ट है, बाइक पूरी स्ट्रेट रहती है। इसके अलावा बाइक में अगर आपको और कुछ मॉडिफाई करके लेना है या फिर और कुछ ऐड करा के लेना है, जैसे इसको सिंगल सीट रखना है, तो वो भी आप कर सकते हैं।
मैं तो ये पॉइंट पे एक बार देखूँगा तो स्पेसिफिकली यहाँ पे हम लोग का जो मेकिंग कॉस्ट है या हम लोग का जो क्वालिटी ऑफ वर्क है वो तो दूसरों से बहुत अलग भी दिखेगा और थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी लगेगा क्योंकि हम लोग क्वालिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। ओके, आफ्टर द डिलीवरी स्पेसिफिक वारंटीज रिलेटेड टू पेंट लाइट कंपोनेंट्स इंजन वर्क ये सब हम लोग प्रोवाइड करते हैं। उसका पीरियडिक सर्विस हम लोग अपने स्पेसिफिक क्लाइंट्स के लिए आफ्टर डिलीवरी प्रोवाइड किया जाता है। तो समझो अगर मेरे पास बाइक है, मेरे पास फोर वाली फील्ड है और मेरा बजट 50,000 ही है, मैं उसके ऊपर जा नहीं सकता, तो आप उसमें भी मेरे को कुछ सजेस्ट कर सकते हो? आराम से का रॉयल इनफील्ड के लिए कस्टमाइजेशन का जो रेंज है वो एक आराम 30,000 to 35,000 से चालू होता है। ओके, जिसमें हम लोग कॉस्मेटिक अपग्रेड एज इन कस्टम पेंट जॉब हो गया, आपको अगर कुछ कॉस्मेटिक कस्टम एक्सेसरीज का रिक्वायरमेंट है, हैंडल बार हो गया, एग्जॉस्ट हो गया, सीट हो गया, लाइट ये सब हम लोग प्रोवाइड करते हैं। और बाइक की सर्विसिंग कुछ रिपेयर का रहेगा तो टोटल सब आप कहाँ पर? एक बार ये कस्टमाइज होने के बाद मराठा मोटरसाइकिल का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है। आफ्टर द डिलीवरी उसके जो भी इश्यूज होगी उसका सर्विस रिलेटेड जो भी काम होगा वो पूरा का पूरा मराठा मोटरसाइकिल सबको प्रोवाइड करता है। ओके, और अगर मुझे बाइक में अगर समझो मेरे को कलरिंग नहीं कराना, मेरे को पेंट का जॉब नहीं कराना, ओके, प्रॉपर फिकरिंग कराना है, ओके, और मतलब मुझे नॉर्मल एक बेसिक बाइक बनानी है, ओके, मतलब मेरे को ये समझो अगर ये हेडलाइट होगी मेरे को पता होगा कि जो मेरी बाइक की स्टॉक है ओके उसमें ही चेंज कर दे दोगे, ओके, हो सकता है? एक्चुअली हम लोग बेसिक बहुत कॉस्मेटिक अपग्रेड से भी चालू करते हैं, ओके, जिसमें पेंट जॉब वगैरह और एक्सटर्नल एडऑन होता है, बट हम लोग ये स्टिकरिंग्स वगैरह ये सब के अंदर डील नहीं करते बिकॉज वो चीज़ ड्यूरेबल भी नहीं है और वो चीज़ फिनिशिंग के साथ होती है। और ये मॉडिफिकेशन टोटली लीगल है? ये मॉडिफिकेशन टोटली लीगल है, एज हम लोग ने चेसिस को इसके अंदर हाथ नहीं लगाया, ओके, आरसी जिसके ऊपर जो पेंट स्कीम है वही हम लोग ने कंटिन्यू किया है। अगर आपको पेंट स्कीम के अंदर चेंजेस किए तो उसका एक स्पेसिफिक ट्रांसफर का प्रोसेस आता है, ओके, जो आरसी होता रहता है जो भी हम लोग, ओके, वो सब आप चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। इसका जो एग्जॉस्ट है आप इसका एग्जॉस्ट का मोस्टली सुनोगे तो एक अराउंड 70-70 का जैसे मिलते अंदर ही है, ओके, तो आपको लीगलिटीज का उसमें भी कुछ इशू नहीं है। तो गाइस एग्जॉस्ट नोट सुन लेते हैं, देखते हैं कि comment and subscribe and don't forget to press the bell icon. Thank you so much. Can I be your superhero?